चलिए शुरू करते हैं लास्ट क्लास में बैलेंसिंग का पार्ट कवर कर लिया था आज कुछ अलग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये सारा बैलेंसिंग का ही है ठीक है आ जाओ नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अच्छा बैलेंसिंग इसके यहीं पे ख़त्म होती है ठीक है इसके बाद से नया टॉपिक शुरू होता है चैप्टर में दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन अभी हमने देखो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया इक्वेशन कैसे लिखती है उसके बारे में पढ़ लिया अब अलग अलग टाइप के रिएक्शन पढ़ना है अभी ना बहुत बच्चों को डाउट आता है मैम ये रिएक्शन आपने कैसे लिख दी ठीक है तो यहाँ हमको समझ में आएगा भाई ये रिएक्शन कैसे बनी ये रिएक्शन कैसे लिखी आधा इस चैप्टर में समझ में आएगा और आपको दूसरे और तीसरे चैप्टर में भी और रिएक्शंस के बारे में पढ़ना तो वहाँ और जाके क्लियर होगा अभी थोड़ा छोटा छोटा पढ़ना है यहाँ पे ठीक है तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस पढ़ेंगे देखो सबसे पहले रिएक्शन का नाम क्या लिखा हुआ है बेटा कॉम्बिनेशन ठीक है जैसा कि इसका नाम है बिल्कुल क्लियरली सुन के ही लगता है क्या होगा कोई चीज़ कंबाइन करेगी कोई चीज़ जुड़ेगी नाम ही है कॉम्बिनेशन तो अगर किसी रिएक्शन में कोई चीज़ जुड़ती हुई दिखेगी तो उसे हम कॉम्बिनेशन बोल देंगे लेकिन पहचानेंगे कैसे कब बोलेंगे कॉम्बिनेशन तो देखो उसको देखने का क्या तरीका है सपोज करो एक ए नाम का सब एक बी नाम का सब तो दोनों क्या हो गए रिएक्टेंट हुए कि नहीं हुए तो ए और बी मेरे क्या है पे बेटा रिएक्टेंट्स हैं ठीक है अब हुआ यूं कि ये रिएक्शन से पहले दोनों अलग अलग है ध्यान से देखो ए बिल्कुल अलग है बी बिल्कुल अलग है लेकिन आफ्टर द रिएक्शन इनका जो प्रोडक्ट बना वो क्या एक सिंगल प्रोडक्ट बना कि नहीं बना ए बी पहले अलग अलग थे वापस में क्या हो गए ए भी जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए तो जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो और रिएक्शन होने के बाद वो एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे रिएक्शन होने के बाद अगर वो हमें एज अ प्रोडक्ट सिंगल ही प्रोडक्ट देंगे तो वैसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहचानोगे कैसे हमेशा नज़र डालोगे क्या मेरा प्रोडक्ट सिंगल है अगर इस ए बी के साथ कुछ और एड होता तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होता यानी ज़रूरी क्या है कॉम्बिनेशन में भले ही यहाँ कितने सारे रिएक्टेंट ले लो यहाँ बहुत सारे ले लो कुछ भी ले लो यहाँ पे लेकिन आपको प्रोडक्ट कैसा मिलना चाहिए बिल्कुल सिंगल प्रोडक्ट मिलना चाहिए उसको बोलेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ठीक है डेफिनेशन भी क्या कह रहा है रिएक्शन इन सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं उस पर नजर नहीं नजर सिर्फ किस पे आपको प्रोडक्ट पे देना अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो आग बन करके लिख दो कि कौन सी रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ठीक है ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई पढ़ना कैसे क्या आपका सिलेबस क्या आता है देखो कुछ रिएक्शन लिखी है मैंने जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं जुड़ने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला मुझे सी ओ टू गैस मिली यानी ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ठीक है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं जुड़ने के बाद मुझे वाटर मिला कि नहीं मिला एक सिंगल प्रोडक्ट मिला ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ठीक है दो रिएक्टेंट्स हैं जुड़ने के बाद मुझे क्या मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला तो ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है बाकी और अभी पढ़ना है भी अभी कॉम्बिनेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा बेसिकली अभी क्या क्लियर हुआ कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे और एज अ प्रोडक्ट आपको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो वैसे टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या बोल देंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे इन दोनों पे मैं चर्चा नहीं करूंगी ये बच्चा बच्चा जानता है मैं चर्चा थोड़ी इस रिएक्शन पे करूंगी लेकिन पहले आप लिखोगे इसको ठीक है प्लीज़ नोट इट डाउन और यहां से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होता है ठीक है यानी यहाँ से सवाल बनने चैप्टर में आने शुरू हो जाते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन से ही सवाल ज़्यादा आता है ठीक है बैलेंसिंग पार्ट से मैंने पहले भी बताया सवाल नहीं आते हैं अब आपको रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी होती है बस तो सबसे पहले लिखेंगे आप लोग फटाफट और इस रिएक्शन पे मैं चर्चा थोड़ा आगे करूंगी पहले ये पूरा नोटेड डाउन कीजिए चलिए तो थोड़ा और आगे चलते हैं देखते हैं ये एक मैंने लगाया था एनिमेशन बट इस पर चलेगा नहीं ठीक है इस रिएक्शन को मैं समझा दूंगी चाहो तो गूगल पे जाके देखना आज में अभी जो पढ़ाऊंगी एक बार सर्च करना इस इस फॉर्मेट पे ये चलेगा नहीं ठीक है चलो कुछ समझते हैं ठीक है थीके? अभी जस्ट एक पहले रिएक्शन पड़ी थी मैं अभी फिर से लिख रही हूँ सी ए ओ प्लस पढ़ो बताओ बताते जाओ तुम लोग प्लस एच टू ओ ठीक है इट विल फॉर्म सी ए ओ एच ओ एच होल्ड ट्वाइस ठीक है अच्छा देखो इस रिएक्शन को ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसी को समझ समझाना है मुझे इसका क्या नाम है इसका केमिकल नेम क्या है बेटा कैल्शियम इसका केमिकल नेम है दैट इज आराम से समझना इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है अच्छा इसका कॉमन नेम क्या है कैल्शियम केमिकल नेम मतलब जो केमिस्ट्री में यूज होता है बाकी कॉमन नेम जो हम डे टू डे लैंग्वेज में बोलते हैं उसे हम कॉमन नेम बोलते हैं कॉमन 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 नेम क्या है इसका बेटा लाइम ठीक है कॉमन नेम है इसका लाइम और इसको हम लाइम भी कहते हैं ठीक है और इसको लाइम भी कहते हैं तो एग्जाम में जरूर ये तो बहुत कम मिलेगा आपको यही ज्यादा मिलेगा क्विक लाइम या लाइम मैंने क्या किया कैल्शियम ऑक्साइड में क्या मिक्स किया वाटर मिक्स किया ठीक है ये वही वाटर मैंने एग्जाम्पल दे के भी बताया था ये रिएक्शन एक और टाइप के रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन है ये ठीक है इसने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ठीक है सिंगल प्रोडक्ट बना आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक साइड ये सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में इसलिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ ठीक है और कॉमन नेम है बेटा इसका क्या स्लेग्ड लाइम ठीक है या इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं एल आई एम ई डब्ल्यू ए टी ई आर दोनों साथ में लिखना लाइम वाटर अगर गैप कर दिया तो वो नींबू पानी हो जाएगा साथ लिखोगे तभी वो स्लेक लाइम होगा ठीक है तो लाइम वाटर बिल्कुल साथ में अब ये वही चूना है जो घर पे आप वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हो उसमें मैंने पानी मिलाया वो मेरा बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ क्या निकली बहुत सारी हीट निकली तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन के साथ साथ और कैसी रिएक्शन है एक्जोथर्मिक रिएक्शन तो जब भी अगर एमसीक्यू में आता है तो पहले तो देख लेना क्या मल्टीपल आंसर हो सकते हैं प्रायोरिटी किसको दोगे एक्सोथर्मिक को दोगे या कॉम्बिनेशन को दोगे तो आप प्रायोरिटी दोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ठीक है क्योंकि यह मेनली आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है, है ये एक्सोथर्मिक भी और कॉम्बिनेशन भी अगर एमसी में दोनों ही ऑप्शन है तो गो फॉर बहुत दो ऑप्शन लेकिन अगर सिर्फ कॉम्बिनेशन है तो ऑफकोर्स कॉम्बिनेशन या एक्जोथर्मिक आके क्या कह लिया तो एक्जोथर्मिक ठीक है एन सी आर टी में आपको दोनों ही मिलेंगे साथ में तो ए और बी करके ऑप्शन का हो जाता है अब हुआ क्यों मैंने जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया इसको उठाया और वॉल पर लगा दिया ये वही वाइट वॉश का प्रोडक्ट है जो घरों में वाइट वॉश होता है ठीक है तो वाइट वॉश करने के बाद धीरे 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 क्या होता है दो से तीन दिन के अंदर आपके एटमोसफेयर में क्या है सी ओ प्रेजेंट है ये अपने आप सी ओ से रिएक्ट करने लगती है क्या रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने दीवार पर इसकी पुताई कर दी ये अपने आप एटमोसफेयर में जो सी प्रेजेंट है कितना इसका प्रपोर्शन है कुछ पता है जीरो जीरो पॉइंट जीरो थ्री है ठीक है सी ओ टू का प्रोपोर्शन आपके एटमोसफेयर में उससे ये रिएक्ट करने लगता है और रिएक्ट करने के बाद एक अलग सा प्रोडक्ट बनाता है यहां देखो एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट ये केमिकल नेम है इसका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर अब वाटर मत कन्फ्यूज होना कि मैम दीवार पर वाटर कहाँ दीवार में पा, यहाँ पानी बन गया दीवार पर नहीं ये वाटर क्या हो जाएगा इवापोरेट हो जाएगा ठीक है ये वाटर बनेगा और इवापोरेट हो जाएगा जो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बना इसकी वजह से धीरे धीरे देखोगे व्हाइट वॉश के बाद आपके एक दो दिन में ना वॉल पे बहुत शाइनी इफेक्ट आने लगता है वॉल आपकी चमकने लगती है तो ये जो शाइनी इफेक्ट आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है आपके कैल्शियम कार्बोनेट्स की वजह से आ रहा है शाइनी फिनिश देता है ये वॉल्स को मैंने दो तीन चीज़ें पढ़ाई हैं इसके अंदर ध्यान से समझना आप इसी को ट्विस्ट करके सवाल बनते हैं ठीक है यूज़ क्या होगा यूज़ क्या होगा कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम ऑक्साइड आपका यूज़ हो रहा है वाइट वॉश के लिए तुम ये नहीं लिखोगे कि ये यूज हो रहा है ठीक है ठीक है तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि वाइट वॉश में क्या यूज होता है तो भाई हम तो इसका सोल्यूशन ही तो यूज कर रहे हैं मेनली तो यही यूज कर रहे हैं ना बेटा मेनली तो हम यही यूज कर रहे हैं पानी में मिला दिया तो वो ये बन गया तो मेनली व्हाइट वॉश के लिए जो यूज करते हैं वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद स्लेट लाइन बनाता है इसकी हम कोटिंग कर देते हैं वॉल्स पे आफ्टर टू और थ्री डेज वो सी टू के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट और इसकी वजह से क्या होता है आपके वॉल्स पे शाइनी फिनिश आती है ठीक है तो सवाल आपका एक्स वाई करके भी बन सकता है कंपाउंड एक्स विच इज यूज इन वाइट वॉशिंग ठीक है ये लंबा चौड़ा पूछ लेता है नेम द कंपाउंड विच गिव शनी फिनिश टू वॉल्स तो ये सब आपको पता होना चाहिए बाकी कैल्शियम कार्बोनेट के मैं कुछ कॉमन नेम आपको बता देती हूँ इससे भी सवाल आता है बोर्ड में ठीक है केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट कॉमन नेम इज कॉमन नेम इज पहला इज मार्बल ठीक है दूसरा इज लाइम ठीक है तीसरा चौक चौथा एक्शेल्स इतने सारे जो मैंने नाम लिखे ना ये सारे का फॉर्मूला सेम है एग्जाम में अगर वो कुछ भी पूछता है कि मार्बल का फॉर्मूला क्या है लाइमस्टोन क्या है चौक क्या है और अंडे का जो खोल होता है एक्शेल इनफैक्ट वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है तो ये कई सारे नेम से सवाल आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं करना है कि डायरेक्ट आपसे कैल्शियम कार्बोनेट पूछे चांसेस कम होते हैं ठीक है इसलिए मैंने आपको इसके कॉमन नेम भी बता दिया तो इस सवाल इस ये जो मैंने पूरा पढ़ा है इसको अच्छे से लिखो समझ लो ऊपर थ्योरेटिकल सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बट मैंने इसको एक्सप्लेन करके बताया सारी चीज़ों को फटाफट कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉश के लिए यूज़ किया धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीओ से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा शाइनी फिनिश दे, दे देगा ये इसका स्लेक लाइम लाइम वाटर कॉमन नेम हो गया उसका क्यू लाइम या लाइम कॉमन नेम हो गया इसका इतने सारे कॉमन नेम हो गए ठीक है इतना लिख लो फिर आगे चलते हैं अब सुनना है चलो अभी तक तो हम लोग ने थ्योरी का पार्ट इसमें पढ़ लिया अब ये रिएक्शन तो बेटा देखो चली नहीं मेरे से ये रिएक्शन चलती तो मैं आप लोगों को दिखाती बट फील कर लो कि चल रही है ठीक है होता क्या है आप ये एक एक्सपेरिमेंटल है ठीक है मैंने बीकर में डाल दिया पानी और डाल दिया क्या कैल्शियम ऑक्साइड ठीक है इससे एक सवाल आता है पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी जब हम क्विक लाइम को वाटर में ऐड करेंगे तो ऑब्जर्वेशन हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो उसी के लिए लगाया था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं चला तो सुनना जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे ना कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में तो तीन ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है पहले तो क्या जैसे ही ऐड करोगे देखो हल्का हल्का आप लोग को बबल्स दिख रही है तो वे इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि बबल्स बाहर ऐसे फूट फूट के निकलने लगती है बहुत ज्यादा बुलबुला बनेगा बहुत एक्सेस अमाउंट में हीट निकलेगी तो पहले तो क्या हीट रिलीज ऑब्जर्वेशन क्या होगा हीट रिलीज होगी हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हो तुम इसको हाईली एक्जोथर्मिक होगा ठीक है बहुत सारी हीट निकलेगी इस रिएक्शन में दूसरा रिएक्शन बहुत फास्ट होगी मतलब इतना तेजी से बबल निकलेगा तो रिएक्शन ऑफ ऑफकोर्स बहुत फास्ट हो रही होगी तो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है विग्रस रिएक्शन है ठीक है एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं विग्रस रिएक्शन है और तीसरा इसमें एक अजीब साउंड आता है ठीक है एक अजीब साउंड देखने को मिलता है जब ये रिएक्शन करते हैं इस साउंड को हम बोलते हैं हिसिंग साउंड इस साउंड को हम बोलते हैं बेटा हिसिंग साउंड वैसे तो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि हिसिंग साउंड किस चीज़ से बन रहा है या क्यों बन रहा है एक्चुअली होता क्या है जब एक्सपेरिमेंट करो तो जो ये बबल्स ये जो वाटर है ना ये तो लिक्विड है ये स्टीम बनने लगता है सोचो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि जो वाटर हमने लिया वो स्टीम बन के ऐसे बाहर निकलने लगता है तो जब वाटर स्टीम बनती है ना तो एक अजीब सा साउंड आता है उसी को हिसिंग साउंड बोलते हैं वो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया वैसे रिटर्न में आपसे नहीं पूछेगा कि हिसिंग साउंड किस चीज से बन रहा है बस ऑब्जर्वेशन पूछता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन व्हेन क्यूक क्लाइम इज एडेड टू वाटर तो तीन ऑब्जर्वेशन विग्रस रिएक्शन वेरी फास्ट हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और तीसरा हिसिंग साउंड इज प्रोड्यूसड क्यों प्रोड्यूस हुआ ये बता दिया क्योंकि वाटर किस में चेंज हो रहा है स्टीम में चेंज हो रहा है तो आप लोग जहां ये लिखा है वो हेडिंग डालो ऑब्जर्वेशन क्विक क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर और ये तीनों लाइनें लिखी ऑब्जर्वेशन वेन लाइम इज एडेड टू वाटर ठीक है ये तीनों फटाफट नोट no डाउन करो फिर आगे चलते हैं चलो तो अब बात हो गई कॉम्बिनेशन की तो दो तीन चीजें पढ़ ली इसमें ठीक है आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं ये तो मैंने पढ़ा दिया ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ठीक है नाम से ही लग रहा है अच्छा इस अच्छी बात ये है ना जितने रिएक्शन है उनके नाम से ही तुम को आधा आधा से ज्यादा तो आइडिया लग जाएगा कि होने क्या वाला वाला है है ठीक तो रटने रटने सीन मत करना रटने के लिए ऑलरेडी कार्बन चैप्टर के रिएक्शंस है तो इस चैप्टर में कोशिश करना कि जितनी रिएक्शन समझ लो इसमें कोई रटने वाला नहीं है बस अच्छे से सुनोगे सब कुछ याद बहुत ईजी है सब याद होता जाएगा नेक्स्ट रिएक्शन इज डम्पोजिशन दूसरा है नाम ही लग रहा है डीकम्पोज हो रही है चीजें टूटेंगी ठीक है चीजें टूटेंगी कैसे टूटेंगी अब देखो कैसे टूटेगी अगर मैं बोलूं इसको एक वैसे ही मैं बना के दिखा रही हूं अभी जो ए बी वाला बना था मान लो ए बी पहले साथ है ये रिएक्टेंट हो गया ठीक है ए बी पहले साथ है अब इनके बीच कुछ रिएक्शन हुई कुछ हुआ कुछ दुश्मनी हो गई ऐसा मान लो भाई ए अलग हो गया और मेरा बी अलग हो गया जस्ट अपोजिट है कि नहीं कॉम्बिनेशन के कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा था यहाँ आपके सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं हो सकता है ए बी सी डी ई एफ कुछ भी हो सकता है तो बिल्कुल अपोजिट है कॉम्बिनेशन के बस यहाँ नज़र क्या डालनी है कि रिएक्टेंट कैसा होगा सिंगल होगा और एज अ रिजल्ट मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट मिल सकते हैं तो वैसे रिएक्शंस को हम बोल देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो पहचाना सीख लिए कॉम्बिनेशन के लिए देखोगे सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन को देखोगे मल्टीपल प्रोडक्ट ठीक है अब सुनो भाई कोई चीज को तोड़ोगे कोई चीज को तोड़ोगे तो इतनी आसानी से तो टूटेगी नहीं ठीक है उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी तो तीन तरीके से हम डिक चीजों को तोड़ सकते हैं बाई यूजिंग हीट एनर्जी भाई कोई चीज नहीं टूट रही आग लगा दो गरम करो दो जला दो टूटी जाएगी ठीक है मान लो कोई चीज नहीं टूट रही भाई लाइट दे दो सनलाइट दे सकते हैं रूम की लाइट दे सकते हैं टॉर्च लाइट दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं ठीक है अच्छा तीसरा भाई कुछ भी कर लिया लाइट चीजें नहीं टूट रही तो फाइनली ऑप्शन क्या बचता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फिर हम उसको बिजली का झटका देके ही तोड़ेंगे तो तीन तरीके से डिकम्पोजिशन किया जाता है तीन तरीके से चीजों को तोड़ सकते हो पहला हीट एनर्जी करके दूसरा लाइट एनर्जी करके और तीसरा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी तीनों से अलग अलग सीन होता है ठीक तो है अभी मैं और थोड़ा बताऊंगी तब लिखवाऊंगी ठीक है अब सुनना जब हम किसी चीज को जब हम किसी सबस्टांस को हीट एनर्जी देके तोड़ते हैं जब हम किसी सबस्टांस को हीट एनर्जी देके तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं तो वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है थर्मोलाइसिस या थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन थर्मो मतलब हीट लिस मतलब टूटना तो भाई हीट से तोड़ रहे हैं तो थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन ज़्यादा एक्यूरेट वर्ड है ये यूज़ करना ठीक है थर्मोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम किसी चीज़ को लाइट की मदद से टूटे तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है अच्छा तीसरा जब हम कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं तो उसका नाम पड़ता है ये सारे बच्चों ने इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक है आपके चैप्टर में तीनों के ही अलग अलग टाइप के रिएक्शन मेंशन है ठीक है इसका एक है इसका भी दो है उसके तीन चार हैं तो सबसे पहले लिखेंगे एक और एग्जाम डेफिनेशन आती है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन

इम्पॉर्टेंस लेवल तुम लोग समझ सकते हो कि उसको तो छोड़ना ही नहीं है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी नहीं कि यही आएगा कुछ भी आ सकता है ठीक है पहचानना आना चाहिए ठीक है पता आइडिया लग जाएगा तुम लोग को देखो सबसे पहला रिएक्शन जो मैंशन है दैट इज हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वही सी सी लाइम अब देखो यहाँ लाइम लिखा हुआ है इसलिए मैंने एक ही जगह बता दिया तो कैल्शियम कार्बोनेट है एक सिंगल रिएक्टेंट है क्लियर देख सकते हो मैंने यहाँ पे हीट कर दिया यहाँ हीट का साइन बना दू केमिस्ट्री में हीट का साइन है ट्रायंगल ठीक है क्या बन गया मेरा सी ए ओ प्लस सीओ ठीक है दो एक से ज्यादा रिएक्ट प्रोडक्ट बने हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ठीक है क्विक लाइन बोल दिया गैस बन के रिलीज हो गया इतना तुम लोग को बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है देख के अच्छा सी टू गैस को कैसे हम आ, पता करेंगे कि सी टू गैस रिलीज हो रही है ना 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 वो तो उसका सिंबल है अगर मान लो कभी कभी एग्जाम में पूछता है एच टू गैस एच टू गैस को कैसे डिटेक्ट करते हैं पॉप साउंड सी को कैसे डिटेक्ट करते हैं नहीं नहीं हेसिंग साउंड नहीं पॉप साउंड तो हाइड्रोजन के लिए है कुछ पढ़ा है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की अच्छा अभी नहीं पढ़ा गया ऐसा नहीं हो सकता जूनियर क्लासेस में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा हाँ कि जूनियर क्लासेस में ऑफ कोर्स पढ़ा होगा कि ये सीओ टू क्या करता है मिल्की करता है बस आगे पढ़ना है चलो कोई कोई को, को बात नहीं ठीक है बस इतना अगर कभी भी कुछ सवाल आता है तो प, इसका मतलब वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सीओ टू गैस ही है बस आगे पढ़ना है हम लोग को ठीक है बट हाँ कभी कभी इससे भी सवाल आ जाता है कि कोई कंपाउंड एक्स है वो टूटा वाई और जेड में और जेड हमारी एक गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना रहा है कहीं भी अगर आता है कि लाइम वाटर मिल्की हो रहा है इसका मतलब वो सिर्फ एक ही गैस हो सकती है दैट इज सीओ टू

एक्चुअली है क्या ये है फेरस सल्फेट ही ठीक है ये है फेरस सल्फेट ही जो लिखा हुआ है बट अभी ना इसके साथ सात वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है कुछ ऐसा सीन है मान लो कि ये मान लो फेरस सल्फेट है ये मान लो फेरस सल्फेट है और इसके साथ ना सात ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स एक दो तीन चार पाँच छः सात ऐसे सात वाटर मॉलिक्यूल्स अभी इसके साथ ऐड है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इन्हें हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बट इसका मतलब अभी चैप्टर में समझना जरूरी है 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 ठीक ठीक वाटर वाटर ऑफ ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन नहीं वो अलग चीज है मैं अभी इसको समझाती हूँ सुनो ठीक है इस वर्ड अगर लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं है बट वो छुपा हुआ है ठीक है एनसीईआरटी ऐसे ज्यादा मेंशन नहीं क्योंकि लिखना टफ है सेवन डॉट सेवन एच टू का क्या मतलब है एक्चुअली ये जब हम किसी चीज में ऐसे वाटर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं कितना भी हो सकता है एक हो सकता है दो हो सकता है पाँच हो सकता है जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट तो हम ऐसे पढ़ते हैं ना कभी आपने बहुत कम ऐसा देखा होगा कि ऐसा लिखा हो बट एक्चुअली जो कॉपर सल्फेट होता है वो ऐसा होता है कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ काम क्या है इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का ये किसी भी कंपाउंड को कलर इंपैक्ट करता है क्या करता है बेटा कलर अगर मैं बोलूं कि कॉपर सल्फेट ब्लू क्यों दिखता है तो असलियत में रीजन ये है कि उसके पास अभी पांच वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड है फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है अच्छा फेरस सल्फेट का कलर होता है बेटा ग्रीन ठीक है फेरस याद कर लो ये सब टेंथ में बहुत ज्यादा जरूरी है फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है ग्रीन

जो भी कलरफुल है अगर हीट कर दिया तो उसका वो पानी वाटर ऑफ किसान उड़ जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा और अगर मैं फिर से पानी ऐड कर दूँ तो फिर से कलर आ जाएगा तो होता क्या है ये इस सल्फेट के रिएक्शन में कि पहले हम क्या करते हैं एफ को लेते हैं जो कि ग्रीन कलर का है उसको हीट कर दिया हीट करने के बाद ये क्या बनेगा बेटा फिर से लिखती हूँ ध्यान से समझना इस रिएक्शन के पीछे दो चीज़ छुपी हुई है लेकिन एन डायरेक्ट लिखती है ये नहीं बताती वो कैसे लिख दिया उन्होंने इसलिए मैं वो लिख के समझा रही हूँ मैंने लिया एफ ई एस ओ फोर डॉट सेवन एस टू अच्छा पढ़ेंगे कैसे इसको इसको पढ़ेंगे फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट सेवन मतलब हेप्ट होता है ना हैग्ज हेप्ट पेंट ठीक है हैप्त, तो फेरस सल्फेट हेप्टा और वाटर एड है तो हाइड्रेट जब भी ऐड होगा तो उसको हाइड्रेशन या हाइड्रेट बोलते हैं ठीक है तो इसको मैंने लिया इसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया टेस्ट ट्यूब में ले लिया उसके बाद नीचे से मैंने हीट कर दिया जैसे ही हीट, हीट करोगे ये तो उड़ जाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा एफ ई एस ओ फोर अब यहाँ से एनसीआर शुरू करती है पढ़ाना तो एक्चुअली में इससे पहले रिएक्शन हो चुकी है वाटर उड़ चुका है ठीक है लेकिन वो डायरेक्ट लिखता है ग्रीन उनको लिखना चाहिए डॉट सेवन एस टू लेकिन नहीं लिखते वो ठीक है लेकिन एक्चुअली में ग्रीन तभी है जब वो सेवन एस टू है वहाँ पे अब फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रखो इसको ये हीट करके पानी उड़ गया लेकिन अब रोको मत हीट को हीट को कंटिन्यू रखो तो एफ ई फोर जो है जो पहले मुझे ग्रीन कलर का दिख रहा था अगर मैं उसकी फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रखूंगी तो मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा एफ ई टू ओ थ्री प्लस एस ओ टू प्लस थ्री पहले तो नाम सबके पता होना चाहिए फेरस सल्फिट क्लियर है तुम लोग को नाम इसका नाम फेरिक फेरिक ऑक्साइड ठीक है फेरिक ऑक्साइड ये पता है कैसे आ जाता है फेरस और फेरिक नहीं पता है तुम लोग के चेहरे बता रहे हैं, नहीं पता है ठीक है अगर एफ ई की वैलेंसी टू लेते हो तो दैट तो इज फेरस देखो ना खुद देखो ना एफ ई की वैलेंसी टू सल्फेट की वैलेंसी टू क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस करोगे तो कॉमन फैक्टर से कट जाएंगे तो एफ ई फोर अगर Fe की वैलेंसी थ्री लेते हैं जब Fe की वैलेंसी थ्री लेते हैं तो नेम विल होना चाहिए तो देखो FE की की ले लो, की टू, तो 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 ऐसे बनता है, है? ठीक तो बता दिया। तो मेरा बन गया फेरस सल्फेट से फेरिक वॉट सल्फर, सल्फर डाई दो है तो सल्फर डाई ऑक्साइड सल्फर ट्राई ऑक्साइड दोनों क्या है दोनों ही गैस है दोनों ही गैस है अब जब मैंने ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को हीट किया तो वो हीट करते गए करते गए करते गए वाटर भी उड़ गया उसके बाद वो ग्रीन कलर से ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर से पहले तो कुछ देर के लिए कलरलेस हुआ होगा उसके बाद इसका कलर चेंज हो गया आपके रेडिश ब्राउन में दिस ऑक्साइड कलर इज रेडिश ब्राउन ठीक है अच्छा सवाल तो डायरेक्ट आता है कि राइट हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट डायरेक्ट सवाल भी आता है ऐसा मत लिखना मैंने समझाया है बट एसेशन रीजनिंग में ऐसा कभी पूछ सकता है इसलिए बता दिया ठीक है लिखना तो एन जो लिखती है उसी को देखना है आपको एक और चीज़ इस रिएक्शन की खासियत है इस जब ये रिएक्शन परफॉर्म होती है तो ड्यूरिंग द प्रोडक्ट एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है पंजेंट मतलब बहुत गंदी सी स्मेल बिल्कुल सफोकेटिंग स्मेल तो एग्जाम में पूछता है कि जो ये सफोकेटिंग स्मेल आ रही है ये किस चीज़ की वजह से आ रही है तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ सल्फर डाईऑक्साइड गैस ये गैस बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग और सफोकेटिंग होती है ठीक है

ठीक है मैंने अच्छे से इसको समझाया है लास्ट वाला भी बता देती हूँ फिर सब कुछ लिखना तो ये किस में बन गया आपका ग्रीन से किस में चेंज हो गया ये रेडिश रेडिश ब्राउन में ठीक है रेडिश ब्राउन और सल्फर डाइऑक्साइड पंजेंड स्मेलिंग है ठीक है लास्ट है सेम वही लेड नाइट्रेट ले लिया मैंने ठीक है सिंगल रिएक्टेंट है हीट कर दोगे लेड ऑक्साइड बन जाएगा एनओ गैस बन जाएगी और ओ गैस बन जाएगी ये भी गैस है और ये भी गैस है है ठीक इस रिएक्शन की खासियत क्या है लेड ऑक्साइड का कलर येलो ठीक है लेड ऑक्साइड का कलर येलो अच्छा इस रिएक्शन में क्या खास याद रखना है जैसे यहां याद रखना है पंजेंट स्मेल किसकी वजह से एसओ टू की वजह से यहां याद रखना है जब ये रिएक्शन होती है टेस्ट ट्यूब में तो टेस्ट ट्यूब में ब्राउन कलर का धुआं निकलता हुआ दिखता है ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में ब्राउन

सब कुछ लिखना जो जो मैंने पढ़ाया है पंजन डिस्मेलिंग सफोकेटिंग दोनों नाम से आ सकता है ये सिर्फ ब्राउन फ्यूम्स आता है और नाइट्रोजन डाई लिखना है सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा डाई लिखना है एनओ है ठीक है बैलेंसिंग ऑलरेडी की हुई है प्लीज नोट इट डाउन चलिए शुरू करते सब कुछ नोट डाउन कर दिया ठीक है आ जाओ नेक्स्ट है देखो हीट से तीन ही था हीट से तीन ही आपके सिलेबस में है तीन ही आपको पढ़ना है अच्छे से ठीक है तीनों के रिएक्शन और बैलेंस रिएक्शन लिखनी है सारी की सारी हीट सब में हम हीट यूज कर रहे हैं ठीक है चलो थोड़ा सा बेटा याद रखना पड़ेगा ठीक है रिएक्शन थोड़ी सी धीरे धीरे धीर ना याद हो जाएंगे दो तीन बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो सारी रिएक्शन एकदम अच्छे से याद हो जाएगी चलो अब आगे चलते हैं तो हीट से हमने देख लिया अब हम क्या यूज करेंगे लाइट एनर्जी से देखेंगे दो ही रिएक्शन आपके एनसीआरटी में मैंशन है बहुत छोटी छोटी सी है एक है देखो सिल्वर क्लोराइड ठीक है एजीसीएल और एजीबीआर दिस इज जैसे सिल्वर ब्रोमाइड ठीक है दो सब्सटेंस है ठीक है दोनों क्या है दोनों को अगर मैंने सनलाइट में रख दिया दोनों को मैंने मान लो एक प्लेट में निकाला एल आई जी जी एच टी सनलाइट में रख दिया ठीक है दोनों ही को प्लेट में रख के तो ये अपने आप टूट जाएंगे ये अपने आप डिकोज हो जाएंगे सिंगल रिएक्टेंट है देखोगे तो सन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सनलाइट भी हो सकती है नॉर्मल लाइट भी हो सकती है आपकी तो सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस बिल्कुल अलग हो जाएगी देखो टूट गया डिकम्पोजिशन हो गया और किसकी मदद से हुआ लाइट एनर्जी की मदद से यहां भी देखो सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन अलग हो गया ठीक है क्या कलर चेंज देखने को मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कलर चेंज ही है ठीक है अगर मैं बात करूं तो ये आपका ना ये सिल्वरी सिल्वर कलर का हो सकता है ये ठीक है वाइट कलर का सिल्वरी ग्रे कह सकते हो तो उसको या फिर इसको नॉर्मल कलरलेस भी नॉर्मली ज़्यादा कलरलेस ही देखने को मिलता है ये ठीक है तो इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो सिल्वर अलग होता है क्लोरीन अलग होता है तो आफ्टर रिएक्शन मुझे सिल्वरी ग्रे कलर देखने को मिलता है सिल्वरी ग्रे कलर देखने को मिलता है जो कि आपका सिल्वर का है ठीक है बाकी क्रोलिन क्लोरिन गैस ऊपर रिलीज हो जाएगी सिल्वर ब्रोमाइड आपका पेल येलो कलर का होता है हल्का हल्का येलो पेल येलो लाइट येलोइ कलर का होता है पहले तो वैसा होगा जैसी रिएक्शन होगी तो यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा सिल्वरी ग्रेइश वाइट कह सकते हैं कभी कभी इसको ग्रेइश वाइट भी कहते हैं ग्रे कलर भी कहते हैं सिल्वरी ग्रे भी दो तीन नाम से बोल सकते हैं बेटा ठीक है इसको बाकी आपका ब्रोमीन गैस ये रेडिश ये रेड रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन टाइप की निकलती है तो ये भी आपकी रिलीज हो जाएगी गैस बन के एटमोस्फेयर में रिलीज हो जाएगी ठीक है तो दो रिएक्शन आपके लाइट एनर्जी के हैं इसका यूजेज भी पूछा जाता है ये दोनों चीजें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का यूज करते हैं हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में वो फिल्म पुराने टाइम में नहीं फिल्म होती है फोटोग्राफी वाली तो उन्हीं में उनकी कोटिंग चढ़ाई जाती है ठीक है और ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है उनको फोटोग्राफी वगैरह में तो इसका यूजेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द टू कंपाउंड विच इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी एंड राइट देयर थर्मो रिएक्शन uh, तो दोनों रिएक्शन भी लिखनी है और इसका यूजेस भी याद रखना है अच्छा इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर के बॉटल्स में रखना चाहिए मेरे सवाल को सुनना कि सवाल ऐसा गिव रीजन में आ जाता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इथ स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स क्यों रखेंगे हम डार्क कलर बॉटल्स में ताकि लाइट से बचे अगर लाइट पड़ेगी तो कंपाउंड टूट जाएगा तो उसको हम डार्क कलर्स के कंपाउंड में रखते हैं इससे एक सवाल आ, जा, आ जाता है तो हम यहाँ पे तुम लोग लिख लेना कि डार्क कलर बोटल्स में रखते हैं टू प्रिवेंट इज थर्मो उसकी फोटो फोटोलिस रिएक्शन को रोकने के लिए हम डार्क कलर बोटल्स में स्टोर करके रखते हैं दोनों को बस यही रिएक्शन है प्लीज अच्छे से लिखो आगे चलते हैं चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आ जाओ नेक्स्ट है आपका लास्ट ही है अब हम तोड़ेंगे बेटा किससे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है दो ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सच बताओ तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है तुम किसी को भी छोड़ नहीं सकते सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही एग्जाम्पल आपके एनसी एक ही, ही है आपकी एनसीआर में वही मैं आप बताती हूं ठीक है हम बेटा तोड़ रहे हैं किस चीज को वाटर को ठीक है भाई वाटर ऐसा है ना हीट से टूटेगा ना लाइट से टूटेगा इसको तोड़ने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी ठीक है वाटर किन दो चीजों से मिलकर बना है बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो मेनली हमें इन्हीं दोनों को अलग करना है इन दोनों को अलग करना है अच्छा एग्जाम में सवाल कैसा आता है

एनोड ठीक है और जो नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया उसको हम बोलेंगे कैथोड ठीक है अब हमने क्या कर दिया इसमें डाल दिया वाटर वाटर की तो तोड़ना है प्लस हमने थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर डाला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिफाइड वाटर मतलब थोड़ा सा पानी थोड़ा सा पानी और उसमें थोड़ा सा एस टू एस ओ फोर डाल दिया क्यों डाल दिया एनी आइडिया क्यों डाल दिया रॉन रोनित बहुत बढ़िया बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें सुनना मैं बताती हूँ क्यों एसिडिफाइड वाटर का मतलब है नॉर्मल पानी तो है ही साथ में थोड़ा सा लेके मान लो किसी चीज में लेके आपने थोड़ा पानी थोड़ा एसिड एस टू एस ओ फोर ऐड कर दिया उसी को हम बोलेंगे एसिडिफाइड वाटर होता क्या है वाटर आपका कंडक्टर तो है इलेक्ट्रिसिटी का बट उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है तो हमें चाहिए भाई जब यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो खूब भर के करेंगे ठीक है ज़्यादा करेंगे तो एस टू एस ओ फोर क्या है एच प्लस SO4 फोर टू माइनस क्या ये आयंस हैं कि नहीं आयंस हैं नाइन्थ में पढ़ा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम आयंस बोलते हैं आयंस आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे मेनली मेरा मकसद ये है कि मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी को और अच्छा बढ़ा दूं ये आयंस डिसोसिएट हो जाएंगे टूट जाएंगे एस पानी में जाते ही टूट जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आयन आयंस का डिसोसिएशन कैसे हो रहा है तो पानी में जाके टूटेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी खूब अच्छे से कंडक्ट करेगा और वही मुझे चाहिए बैटरी तो है फिर भी मुझे चाहिए अच्छा अब होता क्या है रिएक्शन चालू हो जाएगी भाई जो होना है वो सो होगा अब दोनों ही थोड़ी देर बाद तुम देखोगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब में से गैस रिलीज होगी दोनों ही टेस्ट ट्यूब में से धीरे धीरे करके गैस रिलीज होने लगेगी अब किस में क्या क्या गैस जैसे यहाँ तो लिखा है कि भाई तुम्हारे एनॉइड पर रिलीज हो गई कौन सी गैस ऑक्सीजन कैथोड थॉर्ट पर कौन सी गैस हाइड्रोजन लेकिन मैं सच बताऊँ पूरे चैप्टर में बहुत बार तुम ऐसी रिएक्शंस पढ़ोगे अलग अलग चीज़ों की तो हो जाता है कन्फ्यूजन कि भाई कौन सी गैस कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है याद रखने का क्या तरीका है याद रखने का तरीका है ऑक्सीजन पे कैसा साइन देखा है ऑक्सीजन ओ ऑक्सीजन पे साइन होता है टू माइनस ठीक है मा, टू माइनस जो माइनस वाला है वो किसकी तरफ भागना चाहेगा माइनस वाला किसकी तरफ भागना चाहेगा प्लस की तरफ तो माइनस देखो इस पानी में क्या है पानी में देखो बहुत सारा भरा है इसको समझना इसलिए पहली क्लास में बता रही हूँ वाटर है एच तुम्हारा एच प्लस है ओ टू माइनस है ओ एच माइनस है ओ टू माइनस है सब पानी में जाके सारे वाटर टूटेंगे ना तो ये जो ओ वाला पार्ट है ना ये भागेगा ये भागेगा आपके कैथोड की तरफ क्योंकि उसको तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा वो भागेगा सॉरी एनोड की तरफ और जाके एनोड पे गैस बन के रिलीज हो जाएगा और एच पे कैसा साइन है प्लस साइन है तो वो किसकी तरफ भागना चाहेगा एच वाला वो भागेगा कैथोड की तरफ वो हाइड्रोजन भागेगा कैथोड की तरफ गैस बन के रिलीज हो जाएगा याद रखने का यही सिंपल तरीका है कि ये ऐसे याद रखना ये सोचना मत कि ए भाई एनॉड पे ऑक्सीजन भूल जाओगे फाइनल तक याद रखने का सिर्फ सिंपल ओ पे ओ पे माइनस तो एनॉड पे भागेगा एच पे प्लस तो वो कैथोड पे भागेगा अच्छा एक और चीज़ जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो देखा जाता है कि जिस तरफ हाइड्रोजन गैस निकलती है ना जिस तरफ हाइड्रोजन गैस यानी जब कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस रिलीज मतलब इसका जो वॉल्यूम है ना गैस रिलीज होने का वो ज्यादा है क्यों ज्यादा है पहले तो पूछेगा कौन सी गैस ज्यादा निकलती है किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है तो होता है हाइड्रोजन का क्यों यहाँ खुद देखो फॉर्मले में रिएक्शन में देखो कितना ऑक्सीजन है बेटा दो यहाँ कितना ऑक्सीजन है दो लेकिन हाइड्रोजन कितना है डबल है कि नहीं तो भाई डबल है तो उसका वॉल्यूम भी तो डबल होगा निकलेगा भी तो ज्यादा तो पहले तो ये सवाल पूछेगा कि कौन सी गैस डबल निकलती है दैट इज हाइड्रोजन बस सिंपल सा पूछता है ठीक है अच्छा और सवाल कैसे आता है इसमें डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिस पे पूछ लेता है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड राइट द रिएक्शन सिंपल है फंडा कभी कभी पूछेगा एक्स बना देगा यहाँ वाई बना देगा यहाँ पे डायग्राम बनाने के बाद और पूछेगा भाई क्या है किस पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है पूरी रिएक्शन लिखो और कौन सी गैस डबल रिलीज हो रही है

ड्रॉ किया हुआ आएगा एक्स वाई करके पूछेगा कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है क्यों ज़्यादा निकलती है रिएक्शन पूरी लिखो ऊपर वाली रिएक्शन ठीक है चलो लिख लो लास्ट है ये डिकम्पोजिशन का डोंट वरी अभी चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन आ जाओ <coughs> अभी हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन उसके बाद पढ़ा डिकम्पोजिशन डी डिकम्पोजिशन के तीन पढ़ा हीट वाला पढ़ा लाइट वाला पढ़ा और इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ लिया ऑल डन ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको पढ़नी पड़ेगी कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट है वो देखो क्या चीज़ की लिस्ट है ये लिस्ट है बेटा मेटल्स की ठीक है इसमें बहुत सारे मेटल्स लिखे हैं सोडियम पोटेशियम बैरियम कैल्शियम मैग्नीशियम सारे मेटल्स है ठीक है ये एक सीक्वेंस में अरेंज है इनको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इनको बोलते हैं टेंथ में शुरू हो जाता है आई थिंक पता नहीं कभी एट्थ में पढ़ा हो एट में पढ़ा होगा ठीक है अब एसिड बेस कुछ चैप्टर है ना मेटल और मेटल में हाँ ठीक है <coughs> अच्छा यूज प्रॉपरली आप टेंथ में करेंगे और हर चैप्टर में करेंगे यहाँ पहला चैप्टर जो शुरू होता है हर चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंस है ये तो आपको याद रखना है स्कूल वाले इसको बहुत ट्रिक से बताएंगे बहुत अलग अलग इसको निमोनिक्स से बताएंगे उसको याद करने के लिए ठीक है तुम लोग को जैसा मैं कोई बताती नहीं हूँ क्योंकि हर बच्चे का अलग होता है सबका अलग वे होता है याद करने का याद तो आपको उसको करना है एट एनी कॉस्ट सारा इसी सीन में याद करना है क्या बताता है जितने ऊपर वाले हैं ठीक है थीके? वो कैसे ज़्यादा रिएक्टिव मैं बोलूँ सोडियम सब पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसके बाद सोडियम रिएक्टिव है बैरियम रिएक्टिव है कैल्शियम रिएक्टिव है मैग्नीशियम रिएक्टिव है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है रिएक्टिविटी का बताया सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करूं, तो ये कितना फाइव फास्ट या कितना स्लो हो रहा है अगर मैं बात करूँ मैं सोडियम मैं पोटेशियम को रिएक्ट कराऊँ एयर से कराऊँ या वाटर से कराऊँ तो इतनी मतलब इसको कराने की जरूरत ही नहीं है हम पढ़ेंगे आगे ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि हम इसको खुला रख ही नहीं सकते ये अपने आप ही रिएक्ट हो जाएंगे अगर मैं बात करूँ नीचे वाला गोल्ड सिल्वर हम गोल्ड सिल्वर पहने रहते हैं क्या ये रिएक्ट करते है? नहीं करते बिकॉज ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है ये एयर वाटर से रिएक्ट नहीं होते हमारे एटमॉस्फेयर पर तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है ऊपर वाले बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे जैसे नीति आ जाएंगे उनकी रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिंग विद एयर और वाटर कम होती जाएगी ठीक है तो पहले तो आपको याद रखना है ये याद अगर ये टेबल याद होगी तभी आपको नेक्स्ट रिएक्शन समझ में आएगी तो ये तो लिख लोगे तुम लोग मैं थोड़ा समझा दू फिर लिखने को दूंगी ठीक है थोड़ा समझा देती हूँ रिएक्शन इस रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है और स्पेसिफाई करके बोलूँ तो इट्स सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उधर लिखना की जगह नहीं है मैं इधर लिख देती हूँ दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है ये सिंगल लोगों के लिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है चलो देखेंगे कैसा है देख इसी साइड लगाते हैं ए भी एक रिएक्टेंट है ठीक है सी भी एक रिएक्टेंट है अब इनमें कुछ ऐसा सीन होता है अब बेस्ट है रिएक्टिविटी सीरीज तो ध्यान देखोगे प्रोडक्ट में देखोगे तो पहले अदला बदली हो गई एक्सचेंज हो गया बेचारों में ठीक है पहले ए भी साथ में था तो फिर सी भी साथ में हो गया और फिर बेचारा ए बिल्कुल अलग हो गया नाम सिंगल क्यों है क्योंकि एक प्रोडक्ट बिल्कुल सिंगल है नाम सिंगल क्यों है एक प्रोडक्ट बिल्कुल सिंगल है इसलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है अब होता क्या है ये बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे तो जो मेरा सी वाला मेटल है ना सी वाला मेटल है ये मेरे ए वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है वो कैसे पता चलेगा वो टेबल याद होगी तब पता चलेगा ठीक है मेरा सी वाला मेटल ये ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ए वाले को धक्का मारेगा और खुद बी के साथ लग जाएगा तो ए तो अकेला हो जाएगा बिल्कुल तो इसलिए नाम है नाम ये ना डिस्प्लेस वो किसी को डिस्प्लेस कर रहा है बट डिस्प्लेसमेंट का रीज़न क्या है तो रिएक्टिविटी रीजन है भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है ए वाले मेटल से तो बी क्या है बी उसका सॉल्यूशन हो सकता है ठीक है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो आपको आए, बी कोई नॉन मेटल हो सकता है अभी मैं दिखाऊंगी जब एग्जांपल से पढ़ाऊंगी तो आइडिया लगेगा तो मेनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेस्ड है आपकी रिएक्टिविटी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कमज़ोर वाले को धक्का मारेगा उसके उसके कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा और वो बेचारा अकेला रह जाएगा दिस इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है वे मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव अनदर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड दिस रिएक्शन आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक एग्जाम्पल देती हूँ सारा तो समझ में आएगा ठीक है पहले भी पढ़ाया था ये एग्जाम्पल पर देखो पढ़ा हमने स्टार्टिंग में कलर चेंज बढ़ाया था तो मैंने ठीक है देखेंगे CuSO4 कॉपर एक मेटल है कि नहीं ध्यान देखेंगे ये मान लो ए है उसी का एग्जांपल दे रही हूँ ये मान लो बी है ठीक है ये मान लो सी है ठीक है आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में मेरा आयरन देखो तुम लोगों को दिखाती हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन बेटा यहां है कॉपर बच्चा यहां है तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है ना वो कॉपर नीचे है, तो आयरन क्या करेगा वो बर्दाश्त ना करेगा सी को एसओ फोर के साथ आयरन इसको धक्का मार देगा सी को कॉपर को धक्का मारेगा ठीक है और खुद एफ ई एसओ फोर के साथ जुड़ जाएगा एसओ फोर के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर बेचारा बिल्कुल अलग हो जाएगा इसलिए इसका नाम है देख के बचाना सीखोगे एग्जाम में डायरेक्ट सब नहीं आएगा राइट द एग्जाम्पल ऐसा नहीं आता कोई रिएक्शन लिखी होगी पूछेगा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन तो देख के लग रहा है अदला बदली हुई है और सिंगल है तो यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कलर चेंज बताइए कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्लू से किस में चेंज हो जाएगा ग्रीन में चेंज हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे वैसे ही जिंक प्लस यू एसो फोर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर है कॉपर को फिर धक्का मारेगा तो जेड एन एसओ फोर बन जाएगा जो कि कलरलेस है ठीक है जो कि कलरलेस है और फिर कॉपर ठीक है कॉपर का कलर वैसे रेडिश ब्राउन हो जाएगा रेडिश ब्राउन ठीक है इस एक एक यहाँ पे ये यह देखोगे डायग्राम में सी एस फोर था इसमें आयरन की नेल डाल दी ठीक है ग्रीन हो गया तो ग्रीन वाला चीज़ क्या है एफ ही एस ओ फोर है और ये आयरन की नेल पे तुमको ब्राउन कलर की रेड कोटिंग दिख रही है तो वही कॉपर चिपक गया है उस पर ठीक है तो ऐसा होगा नेक्स्ट रिएक्शन देखोगे थर्ड नंबर पे लेड है ठीक है कॉपर क्लोराइड है लेड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से कॉपर बहुत ज्यादा नीचे है तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और आपका ये कॉपर बन जाएगा ठीक है तो ये देख के ही आइडिया लग रहा है कि रिएक्शन कैसी है सारी की सारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ठीक है अब बस लिख लो यहाँ के बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट खत्म है उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट है और लास्ट क्लास में आई थिंक चैप्टर उससे पहले ही खत्म हो जाएगा मैं लास्ट क्लास में ही लाइफ प्रोसेस शुरू कर दूंगी क्योंकि ये मुश्किल से पंद्रह बीस मिनट का टॉपिक है बस ठीक है और उसके बाद हम लोग लाइफ प्रोसेस शुरू करेंगे नेक्स्ट सैटरडे तो प्लीज़ नोट इट डाउन सारा लिख लो आज की क्लास बस यहीं तक